वेलकम बैक टू दिस फार्मेसी इंडिया करियर गाइडेंस सीरीज। सो जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस तरीके की करियर गाइडेंस सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के देखने को मिले हमें फार्माकोविजिलेंस के रिगार्ड में। सो टुडे वी आर हैविंग विद अस फ्रॉम द फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ही इज साइद सिद्दीकी फ्रॉम सीनियर्स हेल्थ and he is pharmacovigilance in pharmacovigilance department having 5+ years experience। so aaj main sir se janunga pharmacovigilance ke bare mein। so first of all sir thank you for joining with us and sharing your views on behalf of whole pharma fraternity। i hope is session se bachcho ko bahut help milne wali hai। yeah thank you Nova for inviting me for such a fruitful lesson, like it will be a fruitful lesson i think। And I think what Pharmacy India is doing is the best job in a manner of like connecting the students with the people working in the industries. So it is a better way to have an experienced people, to have a talk with experienced people, to have their experience, like what they want to share, like what they can have for a better future growth. Like thank you Anubhav। yes so sir mere kuch sawal rahenge aapse, bachon ke ne bahut sare questions puche, bahut sare comment section mein aaye ki sir pharmacovigilance ke bare mein bataiye। jaisa ki aap bhi jaan rahe hain b pharma ek semester mein hamara pharmacovigilance ek subject hota hai, to main sabse pehle sadharan shabdon mein aapse puchna chahunga aakhirkar sir ye pharmacovigilance wahi subject hai ya wahi hum log jo padhaya jata hai wahi hum industry mein mainly karte hain aur इसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा। फार्माकोविजिलेंस बेसिकली सिंपल वर्ड्स में यह है कि मान लीजिए आपने कोई सस्पेक्ट, मान लीजिए आपने पैरासिटामोल है, तो पैरासिटामोल हो गया, तो इसमें आपने मान लीजिए पैरासिटामोल किसी को एडमिनिस्टर करा, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है या कुछ वैसे भी प्रोडक्ट हो सकता है जो कि फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, मेडिकल डिवाइसेस। तो मान लीजिए आपने किसी पेशेंट के एडमिनिस्टर करा, तो उस पेशेंट को उस डिवाइस या उस सस्पेक्ट प्रोडक्ट के होने के बाद कोई अनटूवर्ड अनइंटेंडेड कोई रिएक्शन होती है बॉडी में, तो इस जो ये अनटूवर्ड अनइंटेंडेड रिएक्शंस हैं इन सब की रिपोर्टिंग होती है रेगुलेटरी अफेयर्स, रेगुलेटरी बॉडी होती है, मान लीजिए इंडिया की सीडीएससी है, यूएस की एफडीए है, यूरोप की ईयू है, तो जैसे ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो इनके अंदर में हम लोगों को रिपोर्टिंग करनी होती है, पूरा प्रॉपर एक इंडिविजुअल का केस बनाना पड़ता है, उसने कौन सी सस्पेक्ट ली, कब ली, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसको इवेंट क्या हुआ, तो और पूरा नैरेटिव उसका हमें डिफाइन करना पड़ता है कि उसने मतलब पूरा फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड लाइक उसको क्या क्या हुआ, क्या क्या हिस्ट्री थी, क्या क्या कब लिया, किस चीज के लिए लिया, ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं उसमें। तो ये सब जब हम डाटा कलेक्ट करके इसको सबमिट करते हैं, सबमिट होने के बाद इसके फिर आगे फर्दर स्टडीज होती है, क्वालिटी असेसमेंट होता है, फिर सिग्नल डिटेक्शन होता है, तो उसी के बेस पे पूरे एक उसकी सस्पेक्ट की एक सेफ्टी प्रोफाइल निकल के आती है कि वो पेशेंट के लिए कितनी सेफ है या कितना वो आपको हार्म कर सकती है, तो ये बेसिक फार्माकोविजिलेंस में होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, एक बी फार्मा स्टूडेंट अगर हमें देख रहा है, एक एम फार्मा स्टूडेंट हमें देख रहा है, सो व्हाट इज द एक्चुअल एलिजिबिलिटी, इज बी फार्मा इज एलिजिबल टू द फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट और इज एम फार्मा इज कंपलसरी, और आप इसको कैसे देखते हैं कि बी फार्मा के बाद जॉब कर सकता है या एम फार्म करे ही तभी उसको ग्रोथ मिलती है, तो आप कैसे इसको देखते हैं? बेसिकली एज फार एज बी फार्म एंड एम फार्म इज कंसर्न, तो बी फार्म मैं मानता हूँ कि सफिशियंट है फार्माकोविजिलेंस के लिए, और बाय द वे वैसे अगर एम फार्म रहता है तो डेफिनेटली आपको एक एज मिलता है आगे जाके प्रोमोशंस में और बाकी उसमें भी, मगर आप क्या कर सकते हैं बी फार्म के बाद, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, लाइक एम बी ए कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में एम बी ए भी होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में होता है, तो उसमें क्या सीन रहता है कि उसमें आपको मैनेजमेंट में जाने के थोड़े चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके तो सर एक और क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जैसे कि आपने बी फार्म किया है और मेनली आप जान रहे हैं कि बी फार्मा जब कर रहे होते हैं तो सेमेस्टर्स में गैप्स बन रहा होता है,
2 महीने का, 3 महीने का, अगर स्टूडेंट हमें देख रहा है, उसको मान लिया है कि मुझे फार्माकोजेनेटिक्स में जाना है, तो इज देयर एनी सर्टिफिकेशन कोर्स, इज देयर एनी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स जो उसको अपने अंदर डेवलप करनी है फार्माकोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट में एंटर करने के लिए, जो एक कंपनी रिक्वायर्ड एक कैंडिडेट में मांगती है? सो व्हाट इज दैट, व्हाट वाज दैट? सबसे पहले फार्माकोविजिलेंस में एंटर होने के लिए आपको मतलब बेसिक नॉलेज तो जो फार्मेसी की पढ़ी है वो तो मैंडेटरी है, मतलब आपको पता होना चाहिए आपने क्या पढ़ा है अपने सेमेस्टर्स में। आपकी फार्माकोलॉजी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मेरी फार्माकोलॉजी थोड़ी सी स्ट्रांग थी तो मुझे एक प्रॉपर एज मिली है उसके ऊपर, जबकि मैंने मास्टर जो है सिटिक्स में किया है। मगर थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आप अपनी फार्माकोलॉजी थोड़ी स्ट्रांग रखते हैं तो उसमें आगे आपको चांसेस सही हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से आपके ग्रुप में मतलब मान लीजिए जिसमें इंटरव्यू हो रहा है उसमें बेटर है तो आपको एक एज मिल जाती है। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो मतलब मैं मानता हूँ कि आगे मतलब आपको मैनेजमेंट तक जाते हुए हेल्प करेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि फार्माकोलॉजी भी आप मतलब जिस तरह की आप ड्रग स्टडीज करते हैं उसको स्टडी करते करते आप थोड़ा जान जाते हैं, थोड़ा डेवलप हो जाता है आदमी में। मगर ये है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आप बेटर कर सकें तो वो मेरे हिसाब से बेस्ट है। सर एक बहुत फनी सा सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा राउंड कि वाकई सर जब इंटरव्यू होता है तो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बी फार्मा से रिलेटेड आपसे पूछा गया था, हाउ द एक्सपीरियंस अबाउट दैट एंड आप क्या शेयर करना चाहेंगे कि अपने आप तो मान लीजिए अगर 3-4 स्टेप्स का इंटरव्यू है तो फिर उसी के स्पेसिफिक आपके सवाल होते जाते हैं। फर्स्ट होता है एचआर राउंड जहाँ पे मोस्टली होता ही है। एचआर वो आपका देखता है कि आपकी मतलब पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल कैसे हैं, आप किस तरह बोल रहे हैं, आप किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस ड्रेसिंग में आए हैं, तो ये तो पहले होता है एचआर जो करता है। तो फिर उसके बाद आता है आपका टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में बेसिकली आपकी फार्माकोलॉजी चेक होती है और आपको एक नैरेटिव मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपको ये बता देंगे ही इज अ पेशेंट, ही इज टेकिंग दिस ड्रग फ्रॉम दिस टू दिस ड्यूरेशन, आप इसका पूरा नैरेटिव लिख के दीजिए हमें, तो ये मैक्सिमम हो सकता है। और दूसरा आपका ये हो सकता है, मैं पहला मैंने जो इंटरव्यू दिया था फार्माकोविजिलेंस का वो भी प्रो में दिया था, तो थर्ड स्टेप मतलब मेरे सारे स्टेप क्लियर हो गए थे, तो थर्ड स्टेप में आगे उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन किया था वो यही किया था, क्योंकि विप्रो 24 आवर्स वर्किंग है तो उन्होंने कहा था भाई शिफ्ट कर लोगे, तो बस उनका लास्ट क्वेश्चन दिया था मेरे से लास्ट स्टेप में जो उन्होंने मतलब मैं मेरठ से दिल्ली गया था इंटरव्यू के लिए तो उन्होंने सिर्फ लास्ट राउंड में यही पूछा मेरे से कि आप शिफ्ट कर लेंगे, तो बस ये बस वही स्पेसिफिक स्टेज स्पेसिफिक राउंड्स हो जाते हैं जब वो देख लेते हैं कि भाई हाँ ही इज कंपेटेबल लाइक चल जाएगा या अच्छा कर जाएगा, तो फिर वो स्टेप वाइज होता जाता है। ओके सर मेरा एक और सवाल रहेगा बच्चों से ही जुड़ा हुआ, एक सैलरी और ग्रोथ प्रमोशन इसमें आप कैसे देखते हैं इस फील्ड को, अगर एक फ्रेशर कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है तो अपने आप को कैसे देख पाएगा कि इसमें प्रमोशन कहते हैं ग्रोथ कहते हैं? नहीं, प्रमोशनल और ग्रोथ के चांसेस मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं इसमें। अगर आपको नॉलेज हो जाती है या अगर आप एक बार किसी फील्ड में घुस जाते हैं, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे फार्माकोविजिलेंस में जाना है, तो यू शुड बी डिवोटेड टू दैट फील्ड ओनली। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2-3 साल बाद फिर मैं अपनी फील्ड चेंज कर दूँ या 3 साल बाद मैं फिर अपनी फील्ड चेंज कर दूँ, तो आप कहीं के मतलब मुझे बहुत कम चांसेस हैं कि आप उस फील्ड में उस ऊपर तक जा पाए। तो अगर आप स्पेसिफिक बना के रखते हैं कि और चूज करते हैं स्टार्टिंग ऑफ योर कैरियर कि मुझे किस में जाना है और आप चूज करते हैं मान लीजिए फार्माकोविजिलेंस, तो ऐसा कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि आप ऊपर नहीं जा सकते या अपर लेवल पे या मैनेजमेंट लेवल तक नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो डाटा एंट्री करते थे पहले, फिर वो ऊपर जाके मैनेजमेंट तक में चले गए और अब मेजर डिसीजन ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो अपने मतलब आप अपने किस तरह से अपने कॉन्टेक्ट्स बना के रखते हैं, आपके प्रीवियस ईयर मतलब जो सीनियर्स हैं या मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनसे किस तरह के आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आप आपकी टीम मैनेजमेंट में किस तरह से है, आपका पार्टिसिपेशन क्या है पूरे प्रोजेक्ट को लेके, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आप किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है उसको लेके आप फिर प्रमोशनल के चांसेस ऐसा कोई बाउंडेड नहीं है।
बाउंडेड मतलब जैसे आप स्विच करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रमोशन होगा, मगर ये है कि अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ले रहकर और ये सोचते हैं कि मेरा प्रमोशन हो, तो अगर आप उन लेवल्स पे सेटिस्फैक्टरी उतरते हैं जाहिर सी बात है प्रमोशन होगा फिर उसमें, और अच्छे प्रमोशन के चांसेस हैं विद गुड सैलरी हाइक, और कंपनी अच्छी होगी तो फिर तो वारे के न्यारे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा दैट अगर हम एक बी फार्मा स्टूडेंट अभी देख रहा है तो वो सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है और या फाइनल ईयर में है या एम फार्मा कर रहा है, तो मेनली उसको उस ड्यूरिंग देयर सेमेस्टर स्टडीज उसको क्या क्या करना चाहिए ड्यूरिंग दैट कि उसको फार्माकोजिलेंस फील्ड में वो मदद मिले, हेल्प मिले। सबसे पहली बात मैं इस चीज पे फोकस करना चाहूंगा कि मान लीजिए आप बी फार्म में एडमिशन लेते हैं, तो हम आते हैं 12th के बाद, हम 12th में मुझे नहीं लगता कि हम इतने सीरियस होते हैं, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका पीएमटी नहीं निकला हुआ होता, वो आते हैं बी फार्म की तरफ, तो ज्यादातर लोग उसी तरह के होते हैं। तो मैं सबसे पहली बात, जो आपका एकेडमिक चल रहे हैं बी फार्म में जो चल रहा है वो तो आपको पूरा ईयर लेके चलना है, मगर अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और दूसरी बात एट द एंड ऑफ द कोर्स मान लीजिए आपने 8 सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए, आप क्या करिए, आप अगर आप डिसाइड कर ही लिया है आपने कि फार्माकोविजिलेंस में जाना है, तो उसकी नॉलेज थोड़ी गैदरिंग करना शुरू करिए कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, उसके अंदर करते क्या है, वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी कंपनी करा रही है, कौन कौन सी कंपनी में PSUR ये सब कहाँ बनते हैं, क्या होता है, सारी चीजें थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करिए। कोई सीनियर भी होगा जिसने जॉब वॉब कर रही होगी फार्माकोविजिलेंस में, या कोई टीचर भी होगा, तो वो सब भी आपको इन्फॉर्मेशन इस चीज की दे सकता है, और बेटर रहेगा, मैं तो खुद सबको भी एडवाइस दे रहा था कि आपको एक कोर्स लॉन्च करना चाहिए फार्माकोविजिलेंस के ऊपर, या सारी चीजों के ऊपर, जैसे डाटा साइंस है, HEOR है, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब के ऊपर एक एक कोर्स लॉन्च करना चाहिए, जो कि मिनिमम एटलीस्ट जैसे 8 सेमेस्टर में लोग निकलते हैं उनको थोड़ा आइडिया दे दे कि ये है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में होगा और ये लेवल है। डेफिनेटली सर ये चीज आपकी हम लोग कंसिडर जरूर करेंगे और कमिंग डेज में जरूर करने वाले हैं सर, क्योंकि तो स्टूडेंट आपके फॉर दैट फॉर द सेम कि सर हाउ टू अटेंड द इंटरव्यू, व्हाट वाज द पैरामीटर्स। सर एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा सर इसमें, हाउ टू अप्रोच सर अगर बच्चों को एक अच्छी कंपनी के एचआर तक पहुंचना है या वर्किंग जो आप तक पहुंचना है तो कैसे अप्रोच करें, क्योंकि तो काफी कॉलेजेस ऐसे हैं कि वहां पर प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे ऐसी कंडीशंस में एक भी फार्मा कैंडिडेट को एलिजिबल है तो कैसे अप्रोच कर सकता है बड़ी कंपनीज को, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्रोच कर सकता है। प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्रोच कर सकता है, सबसे पहली बात तो है अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो आप प्रोफेशनल नहीं है, अभी आपको लिंक्डइन अकाउंट बनाना पड़ेगा जब भी आप प्रोफेशनल कहलाएंगे, तो जब तक आपका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो उसको प्रॉपर मेंटेन भी करना है, फिर सारी चीजें उसमें अपडेट, तो एक तो लिंक्डइन अकाउंट बनाइए सबसे पहले, और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी को सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आपने IQVIA सर्च किया, IQVIA में सबसे पहले उसकी साइट में जाके कैरियर सेक्शन होगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं। दूसरी बात, तीसरी बात ये आई कि आपके सीनियर्स, आप अपने सीनियर्स से अच्छे कॉन्टेक्ट्स बना के रखिए, आपके सीनियर्स आपको हेल्प आउट करेंगे कहीं भी वैकेंसी निकलेगी फ्रेशर्स की। तीसरी बात ये कि क्या कहते हैं आपके जो है सीनियर्स वाला तो हो गया, लास्ट में ये है कि क्या कहते हैं अगर आप लिंक्डइन पे काफी एक्टिव रहते हैं तो वो वहां पे एक बंदा भी है जिसने फार्माकोविजिलेंस के काफी ग्रुप्स बन जाते हैं, उसमें जो है रेगुलरली वैकेंसीज आती हैं, फ्रेशर्स भी आती हैं, एक्सपीरियंस भी आती हैं, सभी तरह की आती हैं, तो ट्राई करिए कि ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उसके अंदर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगी जॉब्स की कि कहाँ पर है, ज्यादातर वॉक इन इंटरव्यू है जैसे बायोक्लिनिक आयोक्लिना में, इनमें वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, तो जाइए अपना देखिए, अपना अपने आप को असेस करिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ रिक्वायरमेंट है आपको और इम्प्रूवमेंट की। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते ये रहेगा कि अगर कोई कैंडिडेट जैसे अभी किसी की कोई क्वेरी आती है रिगार्डिंग द कमेंट सेशन कि सर कौन कौन सी कंपनीज हैं वो कैसे पता कर सकते हैं नियरेस्ट या उनके आसपास कौन सी, इज देयर लिस्ट ऑफ कंपनीज जो आपके अकॉर्डिंग ये कि एक अच्छी कंपनीज हैं फार्माकोजिलेंस जो भी कर रही करा रही या जॉब्स हैं। कंपनीज होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात एक ये भी आती है कि वो कंपनी फ्रेशर हायर कर रही है या नहीं,
दूसरी बात ये आती है कि वो मतलब फ्रेशर अगर हायर कर रही है तो क्या बल्क में कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बल्क में हायरिंग होती है उसी तरह से फायरिंग भी। तो सबसे पहले जैसे टीसीएस है, टीसीएस में ज्यादातर बल्क में हायरिंग होती है, फिर बल्क में ही फायरिंग भी। बायोक्लिनिका है क्विंसिया जिसे कहते हैं अब, तो उसमें भी इसी तरह का है। तो दूसरी आप ये लेके चल सकते हैं कि क्या कहते हैं, अगर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई ही करना है तो मेरे हिसाब से तो आप कैरियर सेक्शन के थ्रू जाइए, अपने सीनियर्स के थ्रू जाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सर, एक वर्ड आता है रिज्यूमे, ये आप कैसे कैसे बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि ये आपके लिए एक बड़ा इम्पैक्टफुल वर्ड है, या इसको कैसे डिजाइन करें, किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करने के? सबसे पहली बात देखिए, फ्रेशर्स का जो सीन होता है वो ओपन टू रहते हैं, मतलब कहीं भी जॉब मिल जाए। रेगुलेटरी हो गई, क्योंकि अच्छी फील्ड है, रेगुलेटरी है, फार्माको विजिलेंस है, एचईओआर है, ये तीन चार फील्ड काफी अच्छी हैं। और उसमें क्या रहता है कि आपको, आपने अगर रेगुलेटरी की जॉब के लिए अपना रेज्यूमे सेंड किया है तो आप ये देखें कि आपने कहीं उसमें फार्माको विजिलेंस के बारे में तो नहीं लिख दिया, या आपने किसी और फील्ड के बारे में तो नहीं लिख दिया है। मान लीजिए आपका कोई सर्टिफिकेशन है फार्माकोविजिलेंस का, आपने उसके अंदर लिखा है, अच्छी बात है, मगर उस वो आपको एज, मुझे नहीं लगता कि फार्माकोविजिलेंस वो वाला सर्टिफिकेट आपको किसी और उसमें एज देगा। तो आप अपना रेज्यूमे जॉब स्पेसिफाइड बनाए, जैसे आपने अच्छी बात है कि एचईओआर में भी सब में देख रहे हैं आप, मगर ये है कि जब जितने भी रेज्यूमे आप सेंड करें वो जॉब स्पेसिफिक करें, देखें पहले क्या ओपनिंग है। अंधाधुंध ये नहीं कि सारे एक ही रेज्यूम बनाया और सभी जगह वही पेल दिया। और दूसरी बात ये कि रेज्यूमे जो है इंटरेक्टिव होना चाहिए, कोई रेज्यूम आजकल इतना पढ़ता नहीं है, इतनी ध्यान से कोई नहीं देखता, क्योंकि रेज्यूमे की भरमार होती है एचआर के पास। रेज्यूमे आपका ऐसा होना चाहिए कि जब वो प्रिंट प्रिंट देखे या उसको रिट्री हो तो उसे लगे कि यार ये रेज्यूमे तो अच्छा बना रखा है, नया बना रखा है, कुछ नया है इसमें। तो उसको इंटरेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि मैं उसमें लिख दिया कि मैंने स्कूल में ये रेस करी थी ये वो। आप अपने आप को लिखिए एथलीट, तो उसमें क्या आएगा, लगेगा उसको कि या हाँ ये पर्सन अच्छा है, थोड़ा एक्टिव है, होगा काम करने में भी सही होगा। तो फिर इसी तरह को आपको कंसाइज वे में, थोड़ा इंटरेक्टिव और सिंगल पेज का रेज्यूमे मैं प्रेफर करता हूँ कि एक्सप्रेशन के लिए बेस्ट रहेगा। सर, एक क्वेश्चन और रहेगा, हाउ व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड, मैं अगर यहाँ पे फिगर्स में अप्रोक्स बात करूँ कि कितना एक फ्रेशर कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर सकता है सैलरी अकॉर्डिंग टू द कंपनी, एक अप्रोक्स अगर आप फिगर दे पाए, क्योंकि दैट वुड बी क्रिस्टल क्लियर टू द कैंडिडेट्स आल्सो। एक्सपेक्टेड सैलरी अगर फार्माकोविजिलेंस में मानी जाए, आप एसोसिएट की तरह ज्वाइन करते हैं तो एक्सपेक्टेड सैलरी अगर मानी जाए तो 3 to 4.5 के आसपास आपको मिल जाता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है इसी तरह फिर ये सैलरी पैकेज भी बढ़ता रहता है, मगर बेसिकली बात यह है कि आप अभी एक्सपीरियंस पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पैकेज सबसे पहले कंपनी अच्छी हो, अगर कंपनी अच्छी है तो फिर पैकेज को ध्यान, मैं नहीं लगता कि पैकेज को इतनी वो देनी चाहिए, क्योंकि आपका 1-2 साल जो आप जितना सीखेंगे ना 1-2 साल में, फिर अगर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपकी बर्थ होगी कुछ, फिर वो आपको पैसे देगा। 1-2 साल अगर आप थोड़ा रुक के थोड़ा सीख के चलते हैं या थोड़ा अंडरस्टैंड करके चलते हैं सारी चीजों को और अपनी मतलब स्किल्स बढ़ाते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि जहां पे आप स्विच करेंगे वो आपकी वर्थ देगा असली। सर, लास्ट में यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज मैं आपको अगर ये बताऊं सर कि काफी डिमांडिंग ये टॉपिक रहा है, अगर मैं आपके साथ साझा भी करूंगा कमेंट्स में कि सर फार्माकोविजिलेंस, सर फार्माकोविजिलेंस, सर बताइए सर इसके बारे में, और मैं मेरी भी कोशिश रही थी, मेरी भी आपसे बहुत पहले बात हुई थी रिगार्डिंग द इंटरव्यू, शायद वो नहीं हो पाया था, बट एज सच हम लोग कैरियर गाइडेंस सीरीज पर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस थे कि सर फार्मा में जॉब नहीं है, एंड हमने थोड़ा सा मुहिम ये चलाया है कि इस बार हम वो कर दिखाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि नहीं, फार्मा में बहुत जॉब्स हैं, बहुत फील्ड्स हैं, आप एक्सप्लोर तो करिए बहुत सारे फील्ड्स। बेसिकली या मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि फार्माकोविजिलेंस में या फार्मेसी में जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत मिल जाएंगे आपको, बट द थिंग इज कि आप अपने आप को उस तरह डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि उनका मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है अगर आप उसी को फॉलो नहीं कर पाएंगे या उसी के खरे नहीं उतर पाएंगे तो आप भूल जाइए फिर जॉब, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत है।
आप नहीं होंगे, आपके पीछे जो खड़ा होगा उसको मिल जाएगा। तो यस कंपटीशन किस हिसाब से आपको ये देखना है, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पीछे से कुछ उसमें सोर्स लगवाया और ये सब। तो एक हेल्दी कंपटीशन जो होता है वो इंसान को डेवलप करता है। तो मेरे हिसाब से तो जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब्स मैं नहीं मानता कि जॉब्स की कमी है। यस सर, ट्रूली एग्री सर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर व्यूज। इट विल डेफिनेटली हेल्प द स्टूडेंट्स बिकॉज़ मैं समझूंगा कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे इस इंटरव्यू से। एंड अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल फार्मेसी इंडिया टीम, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज। वेलकम 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 सर, थैंक यू आई एम थैंकफुल। सर, थैंक यू।